अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं सिल कुरमा। 150 ग्राम शुगर लिया है मैंने, 100 ग्राम खोवा लिया है, एक छोटी आधी चम्मच इलायची पाउडर, 50 ग्राम बादाम लिए, 50 ग्राम काजू लिए, 70 ग्राम मैंने सेवई लिए। भी गैस ऑन करेंगे, दूध रखेंगे। ये मैंने गोकुल दूध लिया है, इसको अच्छे से पकाएंगे। आप कोई भी दूध ले सकते हो, गोकुल दूध में मलाई अच्छा जमता है। जब तक दूध गर्म हो रहा है, दूसरे गैस पे सेवई को भून के लेंगे। फ्राई पैन रखेंगे, अभी इसमें घी ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, सेवई भुनने जितना घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो चुका है, अभी इसमें ऐड करेंगे सेवई। फास्ट गैस में नहीं फ्राई करना है, स्लो गैस में करना है। इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करना है, कंटिन्यू चलाना है। अगर आप छोड़ोगे तो सेवई जल सकता है। देखिए इस तरह से भून जाना चाहिए हमारी सेवई, इस तरह से करके लेना है। दूध पक चुका है, अभी इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हो, मुझे इतना ही मीठा चाहिए था, मैंने इतने ही शुगर ऐड किया है। अभी इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। एक बात कहना चाहूँगी, आप कभी भी खीर बनाएं या सेवई बनाएं, दूध को आप जितना अच्छा पकाएंगे, कोई सा भी दूध हो, आप जितना अच्छा पकाएंगे उतना टेस्टी बनेगा। अभी ऐड करेंगे खोवा। मैंने सादा खोवा लिया है, अगर आपके पास मीठा खोवा है तो आप मीठा खोवा भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ शुगर कम ऐड करना है आपको। इसे अच्छे से चला के लेना है। अगर आपके पास खोवा नहीं है तो आप खोवा नहीं भी ऐड करेंगे, चलेगा। अभी ऐड करेंगे काजू। काजू को मैंने धो के इस तरह से कटिंग करके लिया है। अभी ऐड करेंगे बादाम। बादाम को मैंने बॉईल करके उसका छिलका निकाल के इस तरह से लंबा लंबा कटिंग करके लिया है। बादाम ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इसमें ऐड करेंगे सेवई जो हमने भून के रखा था। अभी इसे ढक के 15 से 20 मिनट स्लो गैस में पकाएंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुका है, अभी चेक करेंगे।
देखिए कैसा किस तरह से साइड में मलाई जमी हुई। सिलो गैस में पकाने से ये फ़ायदा रहता है कि मलाई अच्छी जम जाती है। देखिए पक चुकी है हमारी सेवई, इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। देख सकते हैं आप दूध का कलर भी कितना अच्छा चेंज हो गया है। ये तैयार हो गई हमारी सिरकुरमा। ये देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आया है, इस तरह से होना चाहिए हमारा सेवई। देखिए खाने में कितना टेस्टी और स्वादिष्ट है, आप भी बनाएं और ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन करें।